के भैया वहां गए, कहां ले गए उसे? युग को लेकर वो अपने नेटिव प्लेस वापस चले गए। लेकिन युग तो अकेला था, उसने बताया था कि वो अनाथ है, कि युग के भैया भाभी कहां से आ गए? उन दोनों ने तो मुझे यही बताया था कि वो युग के बड़े भाई और भाभी हैं। कुछ पेपर्स भी उन्होंने मुझे दिखाए थे जो ये प्रूव करते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा था सच है, इसीलिए युग को मैंने उनके साथ जाने दिया, मैं कैसे रोक सकता था? ठीक है, उन्होंने प्रूव किया, लेकिन रेवा जी को बताए बिना आपने युग को जाने कैसे दिया? मैं मना नहीं कर सका, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, वो गलती तो हो गई है। मैं आपको पेपर भी दिखा सकता हूँ जो ये प्रूव करते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा था सच कहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि युग अकेला था। ये भी तो हो सकता है कि युग ने किसी रीजन से आपको अपने बारे में सच न बताया हो। उनके भाई ने अपना एड्रेस दिया है, आप चाहें तो खुद जाकर देख सकते हैं। हमें इस पते पर जाकर चेक करना चाहिए, क्यों नहीं? एड्रेस तो यहीं का है। सुनिए जरा। जी साहब। ये कृष्णा कावेरी बिल्डिंग कहाँ पे है? कृष्णा कावेरी? यहाँ पर तो ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है। आपको पक्का मालूम है? हमें एड्रेस तो यही मिला है। सड़क भी यही है, एरिया भी यही है, लेकिन कृष्णा कावेरी बिल्डिंग यहाँ पर तो नहीं है। इसका मतलब नील युग को ले जाने वालों ने हमें गलत एड्रेस लिखवाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि युग कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कौन हो सकते हैं वो लोग जो युग को अपने साथ ले गए हैं? क्यों किया उन्होंने ऐसा? हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं, पुलिस के यहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है। यहाँ मुंबई में हजारों लोग लापता होते हैं, इतनी सारी फाइल्स पेंडिंग है उनके पास। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भगवान करे योग सही सलामत हो। तुम्हें योग की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम भूल गई हो कि योग वही आदमी है जिसने तुम्हारे और नाहर के रिश्ते में दरार डाली है। हमारी दूरियों की वजह योग नहीं, नील, हालात और गलत फहमियाँ थी। योग को मैं अपना छोटा भाई समझती हूँ। इंसानियत के नाते मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और रही बात मेरे और नाहर के रिश्ते की, तो नाहर ने भले ही इस रिश्ते से अपना दामन छुड़वा लिया हो, लेकिन मैं आखिरी सांस तक इस रिश्ते से अपने तार जोड़े रखूंगी। तारा जी, मैं कुछ मदद करूं लंच बनाने में? बाबू, आज खाना मैं बनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने हाथों से तुम कुछ बनाओगी तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। काम करते हैं, गट्टे की सब्जी बना दो। गट्टे की सब्जी? कुछ और? नहीं नहीं, बात क्या है कि नाहर को गट्टे बहुत पसंद है, तो इसलिए गट्टे की सब्जी बना दो। बना लूंगी मैं गट्टे की सब्जी। आपने उसे क्यों कहा गट्टे की सब्जी बनाने के लिए? उसका किचन में जाने का मतलब जानती हैं आप? जानती हूँ, तभी तो उससे कहा। किचन में घुसकर उसने खुद अपने इम्तिहान की घड़ी बुला ली है। कैसा इम्तिहान? जब चांदनी यहाँ थी ना,
तो इस हवेली के रसोई में एक बार पैर नहीं रखा था उसने, और रखती भी कैसे? खाना पकाना तो आता नहीं था उसे। अगर वो चांदनी है तो उससे आज खाना पकाने को कहकर मैंने उसकी असलियत सामने लाने का इंतजाम कर दिया है तारा। अगर खाना अच्छा ना बना तो समझ लेना ये चांदनी है। कमाल है बाबू, आप भी खेल खेल रही हैं। ये घर बहुत मुश्किल से जोड़ा गया है तारा, इसकी नींव पर आंच आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सच में आज माँ के दो रूप देख लिए, एक लक्ष्मी माता का जो घर में सुख शांति का आशीर्वाद होती है, और एक दुर्गा माता का जो घर की सुख शांति बचाए रखने के लिए खुद लड़ाई में कूद जाती है। अरे वाह, गट्टे की सब्जी। बैठो देविका। नहीं भाबो, मैं बाद में खाऊंगी, अभी भूख नहीं है। आप लोग शुरू कीजिए ना। वाह बाबू वाह, मजा आ गया गट्टे की सब्जी खाकर। बहुत दिनों बाद अपने दिल से बनाई है आपने गट्टे की सब्जी, पहले जैसी स्वाद है। ये सब्जी मैंने नहीं ब्रजेश, देविका ने बनाई है। भी आपको लगता है कि ये चांदनी है? ऐसा अगर आपको याद हो तो चांदनी को ब्रेड पर बटर तक लगाना नहीं आता था, और देविका ने तो पूरा का पूरा खाना तैयार किया है। अदिति सा, खाना बनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीखी ना जा सके। भाभी सा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आइए सर। गुड, आदमी बड़े काम के हो तुम। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। बात दरअसल यह है कि सर पैसा चीज ही ऐसी है। अब देखिए ना, आपने जैसे ही पैसा देने का वादा किया होशियारी खुद ब खुद मेरे अंदर घुस गई। इसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ध्यान रहे ये यहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, जरा सावधान रहना, खासकर पुलिस से। नाहर जी, क्या आप मुझे प्लीज मंदिर तक छोड़ सकते हैं? देविका जी, क्या मैं आपको इतना पापी लगता हूँ कि मुझे मंदिर में अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी? जी मैं कुछ समझे नहीं। मतलब ये आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको सिर्फ मंदिर तक छोड़ दूं? मैं मंदिर में आपके साथ अंदर भी आ सकता हूं। तो चलिए। चलिए। मिला, मिला कुछ मसाला। फौरन ये खबर कावेरी जी तक पहुंचाता हूं। इसके आगे की खिचड़ी वही पकाएंगी। हाँ। खमागणी धीर कंवर सा। खमागणी कावेरी जी, कैसी हैं आप? मेरे हाल तो एकदम ठीक है, आप बताइए। आपने किसके हाल की खबर बताने के लिए फोन किया है? अब इस घर में सिवाय एक आदमी का गुल कौन खिला सकता है? हैं? आपके प्यारे नंदोई।
नाहर बनना? जी बिल्कुल, अभी अभी देविका जी के साथ वो मंदिर में गए हैं। अब जाने भगवान से अपनी जोड़ी की सलामती बनाए रखने की मन्नत मांगने, या फिर सलोनी जी को हमेशा के लिए इस घर से दूर टिकाए रखने की प्रार्थना करने। ओ, तो क्या दोनों अकेले गए हैं? अजी बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, बारूद तो मैंने आपके हाथ में थमा ही दिया है, अब बस लगाइए चिंगारी और कीजिए धमाका। हीर कंवर साहब, आप धमाके की चिंता मत कीजिए, धमाका तो ऐसा होगा कि इस घर की जड़ें तक हिल जाएंगी। आज के चल कावेरी, लोहा गरम है, हथौड़ा मारने की तैयारी शुरू कर दे। बहुत दर्द है, देखिए ना मंदिर जाने के लिए निकली थी लेकिन लगता है सर दर्द की वजह से कहीं नहीं जा पाऊंगी। उनकी आंखें ठीक हो जाए, भगवान से मन्नत मांगी थी कि प्रसाद चढ़ाऊंगी लेकिन लगता है इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं कावेरी, अगर तुम नहीं जा सकती ना तो मैं मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आप भी चली जाइए। तुम उम्मीद से हो और तुम्हें अब अपना खास ख्याल रखना चाहिए, ये सर दर्द को लापरवाही से मत लो। मैं तो कहती हूँ कि तुम आज ही डॉक्टर के पास चली जाओ और जाकर दिखा लो। जी मम्मी जी, आज ही डॉक्टर को दिखा दो। चलो लाओ पूजा की थाली मुझे दो, मैं मंदिर जाती हूँ। भाभी साहब मैं भी चलती हूँ। अरे मम्मी जी, दर्शन तो आपको जरूर होंगे लेकिन भगवान के साथ साथ आपको क्या क्या दर्शन होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें नाहर जी के घर में जाने का सौभाग्य दिया। अकेली जी रही थी और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप हमारी झोली में इतनी सारी खुशियां भर देंगे। आपने हमें एक ऐसे परिवार में जाने का मौका दिया जहां प्यार ही प्यार है। आज जाना कि प्यार का अर्थ क्या होता है। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि किसी इंसान के अंदर कितनी दया छुपी हो सकती है। अरे देविका जी आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। देखिए ना, मैं आपके घर गया था आपको मिलने के लिए और आप यहाँ मिल गई। मेरे घर कोई काम? जी बात यह है ना कि वो डोनेशन लेना था ना, इसलिए। आप एक काम कीजिए, कल दोपहर को वापस घर चले जाइएगा, मैं हरी सिंह जी से बात कर लूंगी, वो आपको डोनेशन का पेमेंट दे देंगे। हाँ आज के बाद अगर कोई भी काम हो तो नाहर सिंह जी के घर चले आइएगा। आजकल मैं वहीं रह रही हूँ। अब तो अपनी आंखों से देख ले भाभी साहब, अब और बर्दाश्त नहीं होता, इसे रोकना ही होगा। भाई साहब ऐसा कुछ मत कीजिए,
सलोनी ने हमें कसम दी है कि हम नाहर बनना या उनके परिवार वालों को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भाभी सा, भाई सा, ये सब देखकर जितनी तकलीफ आपको हो रही है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। एक माँ के लिए इससे अधिक दुख की बात क्या होगी कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का घर उजड़ रहा है। इस वक्त हम मजबूर हैं क्योंकि सलोनी नहीं चाहती कि हम कुछ कहें। हमारे द्वारा उठाया गया कोई भी कदम सलोनी के लिए परेशानी बढ़ा सकता है और नाहर बन्ना का सवाल जहां तक है, उन्होंने जो मेरी बेटी के साथ किया है ईश्वर देख रहा है, उसकी सजा उन्हें यही मिलेगी, जरूर मिलेगी। चमकी, ये क्या हो रहा है? जी बीबी जी, नहीं कुछ नहीं। अरे वाह बीबी जी, बाय गॉड की कसम आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। कहाँ जा रही है इतनी सज धज कर? तुमसे मतलब? ये लो बीबी जी, ये भी कोई बात हुई? चमकी ने इतना सीधा साधा सवाल पूछा आपसे, आप जवाब दे देती तो क्या चाहता आपका? मेरे भाई की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। मम्मी पापा ने मन्नत मांगी थी कि जब मेरे भाई की आंखों की रोशनी लौट आए तो माता जी महाराज का जगराता रखेंगे। आज मम्मी के घर वही जगराता है और हम सब वही जा रहे हैं। अरे वाह बीबी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चले बहुरानी। अरे तैयार हो गई हैं? दिखाई नहीं दे रहा। बाय गॉड की कसम चमकी, कुछ हंगामे का वक्त आ गया है। जी थैंक यू। कुछ पता चला? नहीं सलोनी, पुलिस ना ही युग और ना ही उनके ले जाने वालों के बारे में कुछ पता कर पाई है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, ऐसी चीजों में वक्त तो लगता ही है, हमारे परेशान होने से क्या होगा सलोनी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले युग का एक्सीडेंट होना, फिर जब वो कोमा में है तब कुछ लोगों का उसे यहाँ से ले जाना। मुझे युग की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कौन है इस सब के पीछे और क्या चाहता है। मैं देखती हूँ। जी कहिए। मेरा नाम प्रताप चौहान है, मैं एक लॉयर हूँ। मिस्टर नाहर ने मुझे यहाँ भेजा है। सलोनी जी से कुछ जरूरी काम था मुझे। सलोनी, इन्हें नाहर ने भेजा है। मैं मिस्टर नाहर सिंह का लॉयर हूँ, ये लीगल नोटिस उन्होंने भिजवाया आपको। नोटिस? किस बात का नोटिस? तलाक का, तलाक का, तलाक का। मिस्टर नाहर सिंह सलोनी जी से तलाक चाहते हैं। मिस्टर नाहर सिंह सलोनी जी से तलाक चाहते हैं। सलोनी जी से तलाक चाहते हैं। Thank you.